रहे हैं 500 के। ये वाली शॉर्ट्स मुझे अच्छी लगी है, ये 200 की है, पर उनके पैरों में भी नहीं गिरेगी, वो बहुत बिजी है, लात मार के फेंक देंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज मैं आपके लिए इतना इंटरेस्टिंग व्लॉग लेके आई हूँ। पहले तो मैंने बहुत सर्च किया कि पुणे में ना सरोजिनी मार्केट जैसी कोई चीज़ है या, तो हमें मिला ये वाली चीज़। मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। और गाइस, इसमें एक चैलेंज भी होने वाला है। दीदी मुझे देने वाले 500 रुपीज, और उससे मुझे आउटफिट बाय करना और उस पर की ज्वेलरी। हिल्स तो नहीं आएगी, बट हम ट्राई करेंगे क्योंकि ये एकदम चीप मार्केट है, और मैं पूरा एक्सप्लोर करूँगी और वो आउटफिट वेयर करके मैं इंस्टाग्राम पे भी डाल दूँगी। आपको तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पता है, नहीं पता है तो मैं नीचे डाल दूँगी। सो चलो चलते, आपको दिखाते हैं। और गाइस, हमने गाड़ी वहाँ पे पार्क की है और अभी हम जा रहे हैं चलते चलते, क्योंकि हमें पता नहीं था वो कहाँ पे है ना। मैं पहले आ चुकी हूँ यहाँ पे, मैं ट्रेडिशनल मतलब जो ड्रेस सिलवाती हूँ ना वो। और गाइस, आपको एक बात बताती हूँ, मेरे जितने भी आउटफिट और वो सारी चीज़ें हैं ना, मैंने कभी खुद से नहीं लिए, सारी चीज़ें दीदी सिलेक्ट करते हैं। और आउटफिट इतने प्यारे प्यारे क्यूट वाले, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा वो भी। और बार्गेनिंग करना तो मुझसे आता ही नहीं, क्या करूँगी पता नहीं। तो आप देखना मैं कैसे बार्गेनिंग करती हूँ उनसे। उनके पैरों में गिर जाओगी अंकल, 500 में दो ना। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अंकल प्लीज, ऐसे तो होगा नहीं, पैरों में गिरोगी तो अभी नहीं देने वाले वो, तो अभी गिर जाओगी पैरों में, बोलोगी दो प्लीज, मेरा चैलेंज है। फिर मैंने जैसे चैलेंज कंप्लीट किया तो मैं दीदी को बोलूँगी मुझे कुछ तो गिफ्ट दो। सो गाइस, मैं आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें दिखाती हूँ यहाँ की, कि मतलब कैसे होता है वो सब। फिर सबसे पहले तो हमें आउटफिट लेना पड़ेगा, उसके बाद हमें ज्वेलरी लेना पड़ेगा। सैंडल आती है या नहीं 500 में मुझे नहीं पता, अगर आई तो अच्छी बात है और नहीं आई तो पता नहीं, बट हम ट्राई करेंगे लेने का, कोशिश करेंगे। उनके पैरों में गिर जाएगी ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, बट कोशिश ज़रूर करेंगे लेने का। और अब पहले मैं एक्सप्लोर कराती हूँ आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है। पुणे में अगर आप न्यू आए ना, तो फिर यहाँ का एड्रेस क्या है, कैंप, पुणे कैंप, वहाँ पे आना। ओके, सब ऐसे देख रहे जैसे मैं बाप रे बाप। सो गाइज, आप सोच नहीं सकते, मतलब मुझे इतनी ज़्यादा शर्म आ रही है ना, और इतने मतलब पब्लिक प्लेस में मैं फर्स्ट टाइम बिना मास्क के निकली हूँ। मास्क है मेरे पास ये देखो, लेकिन मैंने नहीं लगाया क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना है, और अच्छा भी नहीं लगता कि मास्क लगा के आपसे बातें करूँ, अब तक आवाज़ भी नहीं पहुँचेगी। और यहाँ पे ऐसे होता है जींस देखो, और मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही, मैं तो मास्क लगाने वाली सब देख रही ये वाली शॉर्ट्स मुझे अच्छी लगी है, ये 200 की है, बट मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूँ कि अगर मैंने ये ले लिया तो फिर मैं टॉप कैसे लूँगी, फिर मैं शूज़ एंड ज्वेलरी। तो पहले हम देखते कुछ तो अच्छे से, ये 500 असली है। सो गाइस, मुझे इतनी ज़्यादा शर्म आ रही है ना, मैं आपसे क्या ये बताऊँ। 50 कम कर देता 60। तो गाइस, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 500 में मैं कैसी चीज़ें ले सकती हूँ, आप बताओ ना ज़रा। 500 में कोई चीज़ें आती है क्या, एक टॉप भी नहीं आता, हल्का सा क्रॉप टॉप भी नहीं आता 500 में। और दीदी ने और 500 दे देते क्या? नहीं। सो गाइस, मैंने इतना सारा घूम लिया बट मुझे कुछ भी नहीं मिला, मतलब चैलेंज तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता क्योंकि 500 में क्या ही मिलेगा, मुझे पता था पहले से ही। बट तो मैंने सोचा है कि हम जीन्स और टॉप नहीं लेंगे, वन पीस लेंगे जो 500 में आएगा, उसमें हील्स ऐड करेंगे, अगर हो सका तो हील्स ऐड करेंगे, नहीं तो फिर ज्वेलरी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, अभी ये वो साइड थे हम लोग, अभी हम ये साइड आ गए हैं, हमें वहाँ भी से जाना है। वहाँ पे एक लेन है जिस, मैंने पूछा उनसे कि हमें चिल्ड्रेन में वहाँ पे मिलेगा, तो वहाँ पे एक लेन है, हम उसमें चलते हैं, उसमें ट्राई करते हैं कुछ मिलता है क्या नहीं। सो स्टे ट्यून्ड। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या लूँ, तो हमने सोचे थे वन पीस लेंगे, अभी वन पीस के लिए अंदर जाना पड़ेगा, तो चलो चलते। और गाइस, आपको पता है मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम शॉपिंग कर रही हूँ, वैसे तो दीदी करते मेरे सारे आउटफिट्स एंड ऑल, तो मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे चैलेंज दिया है। मैं 500 में कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, बट करके दिखाओगी मतलब दिखाओगी। गाइस, मेरा दिल तो देखो, मैं कितना थक चुकी हूँ, मेरा दिल तो कर रहा है ये शॉप में चली जाऊँ।
और इनको बोल दो एक आउटफिट दे दो निकल के आ जाओ, बट 500 में तो ये मुझे झाड़ू पोछा करने भी नहीं रखेंगे। पागल, गजब बेइज्जती है। अभी हम जा रहे हैं सबसे खतरनाक लेन के अंदर, वहाँ पे जाने मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी पब्लिक है और क्राउड भी बहुत सारा है। और गाइस, लोग व्लॉग बनाने नहीं दे रहे, मुझे इतनी ज्यादा शर्म आ रही है ना, इतनी ज्यादा मैंने क्लिप्स नहीं लिए बहुत सारे, तो इसलिए सॉरी, बट वो बनाने नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों। तो चलो जल्दी से चलते हैं। और ये कैमरा कितना वजन है, बाप रे वाह। वो लेन है जहाँ पे मैंने बोला था आपको बहुत सारे शॉप्स है और बहुत चीप रेट में, तो मैंने डिसाइड किया मैं वन पीस लूंगी और हिल्स का तो पता नहीं, बट हम ट्राई करेंगे लेने का। और चलो चलते ये लेन में जाने, मुझे इतनी ज्यादा शर्म आ रही है, इतनी ज्यादा शर्म आ रही है, क्या बताऊँ आपको। जहाँ पे बहुत सारे वन पीस है, तो हम पहले ढूंढते और फिर हम बार्गेनिंग करेंगे उनसे, पैर में गिर जाएंगे। शॉप में पहुंच चुके जहां हमें थोड़े से आउटफिट्स दिखाई दे रहे हैं कि हमें 500 में वो आउटफिट मिलता है या नहीं मिलता है। मुझे तो बहुत सारी शर्म आने लगी है, सब ऐसे देख रहे हैं, तो उनसे पूछेंगे कि 500 में हमें देंगे या नहीं, मतलब कम प्राइस में, क्योंकि हमें और भी सामान लेना है, तो उनके पैरों में गिर जाएगी हम लोग। अंकल तो मेरे को भाविच नहीं दे रहे, मैं बोल रही इतने जगह तो बोलते हैं हाँ, मैं बोली तो फिर बोलते रात में आने वाला, अभी रात में कैसे, एक तो ब्लॉग भी कंप्लीट करना है, चैलेंज भी कंप्लीट करना है, ये चैलेंज किसी भी हालत में मुझे कंप्लीट करना है, मतलब करना है। गाइस अभी हमें जो चाहिए था वैसे मुझे मिला नहीं है यहाँ पे, तो आगे हम ढूंढेंगे, मुझे कुछ भी नहीं पता यहाँ का। हेलो गाइस, हमें एक अच्छा लगा है वो वाला, लेकिन वाला क्यूट है ना, अंकल ने ज्यादा बोल दिए तो पैरों में गिर के मांग लास्ट और मेरे पास तो 500 है, उसमें मुझे इयर रिंग्स भी लेना है, सब चैलेंज कंप्लीट करना है, कैसे होगा, उनके पैरों में भी नहीं गिरेगी, वो बहुत बिजी है, लात मार के फेंक देंगे। चलो अच्छा, वाइट है दीदी, सिल्वर है और ये और पिंक है, वाइट भी अच्छा, ये बताओ, बैग पकड़ो, कितने का ये? गाइस हमें ये वाला क्यूट लगा, इसमें व्हाइट कलर है और चार कलर है और ये है 1200 रुपए का, तो मैंने मेरे फॉलोअर्स का फायदा उठाते हुए ये कर दिया है 400 में। आपके लिए, सिर्फ मेरे लिए, कोई आके मांगना नहीं, कोई मांगना नहीं, मैडम के लिए प्राइस है, बाकी कस्टमर्स के लिए नहीं, नहीं बाकी कस्टमर्स के लिए नहीं, मेरे लिए 400 और मुझे खुद शर्म आ रही है 400 में लेने। फैशन स्ट्रीट में इनका शॉप है जिनकी नंबर है 111111, तो अगर आपको आना होगा तो आना, विजिट करना, बहुत अच्छा कलेक्शन है, सो पक्का आना। ये मोइन भाई, ये है। So guys, मैंने ले लिया 400 का, मुझे खुद पे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने इतनी बुरी तरीके से बार्गेनिंग करके ले लिया, बट वो बहुत अच्छे थे, उनको थैंक यू सो मच, अगर वो मेरा ब्लॉग देख रहे तो। अभी बच्चा हमारे पास 100 रुपीज, तो उसमें हील्स तो नहीं आएगा, 100 रुपीज के हील्स तो आते ही नहीं है, सो अभी हम लेंगे उसमें इयर रिंग्स और फिर मैं रेडी होकर आपको बताऊंगी कि मैंने कितना अच्छे से वो चैलेंज कम्प्लीट किया है, आप भी कर सकते हैं, सो करना आप भी। तो चलो गाइस चलते अभी इयर रिंग्स लेने, अभी ढूंढना पड़ेगा वो चीज़ भी। आओ, जैसे कि मैंने आज डिसाइड किया था मैं स्ट्रीट शॉपिंग करूँगी, तो मैंने डिसाइड किया मैं स्ट्रीट फूड खाऊंगी, तो मैं खा रही हूँ कबाब पाव। सो गाइस फाइनली मैं घर पे आ चुकी हूँ और आप मेरा फेस देखो, कितना ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं, फर्स्ट टाइम मतलब इतना घूमी। और एक बात, मैंने इयर रिंग्स नहीं लिया क्योंकि 100 रुपीज में मुझे इयर रिंग्स नहीं मिल रहे थे, जहाँ से मैं इयर रिंग्स लेती हूँ वहाँ पे तो नहीं थे 100 के, क्या ही बताओ अब आपको, सो मैंने नहीं लिया, बट जो मेरे पास है ना उस पर मैं पहनूंगी, मैच करूंगी और फिर आपको कल दिखाऊंगी कैसे दिखता है, फिर आपको पता चलेगा 400 रुपीज का भी आउटफिट कितना क्यूट दिखता है क्यूट लोगों पे, सो स्टे ट्यून। देखो मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये रहा वो आउटफिट,
क्यूट है ना। और इस पे के हील्स मेरे जो थे वही मैंने पहन लिए हैं, इयररिंग्स भी जो थे वही पहन लिए हैं, वॉच भी। बस आउटफिट में तो शौक थी, मुझे तो लगा था कि 500 में मतलब आउटफिट भी नहीं आएगा, बट मैंने ट्राई किया और आ गया और फाइनली ये आउटफिट है। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो जाओ जल्दी से जाके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और गाइस आप भी ये चैलेंज कर सकते हैं, बट 500 में मत करना, ज़्यादा पैसे में करना, क्योंकि मैंने तो फ़ायदा उठा लिया, आप नहीं उठा सकते। सो इसलिए आप भी ये चैलेंज करना। लव यू ऑल। गाइस मेरे लास्ट व्लॉग को सबसे अच्छे कमेंट किए थे मुस्तकीम अंसारी ने, उनका कमेंट मैं रीड करके बताती हूँ। सानू दी, आप मेकअप करो या ना करो, आप बिना मेकअप के क्यूट दिखते हो। और स्वैग, आप हमारे सानू दी को परेशान मत किया करो, ये। और दूसरा वाला तबस्सुम सैयद, सानिया बाजी आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मुझे आपसे एक बार मिलना है, मिलने की आरजू है, अल्लाह ताला मेरी आरजू पूरी करे, इंशाल्लाह पूरी करेंगे। सो थैंक यू।